नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज एस्ट्रो तक से एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ केवल एस्ट्रो तक के सब्सक्राइबरों के लिए, जो हमारे फॉलोअर हैं इनके लिए। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी लोगों को प्राप्त हो, और यह निश्चित रूप से एक वैदिक परंपरा का टॉपिक है। शाम को करें यह कार्य, माता लक्ष्मी आपके जीवन में देंगी खुशियां अपार। अब आपको समझना है कि शाम क्या है। सब लोग जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद और रात्रि के प्रारंभ को शाम कहते हैं। तो शाम का एक सीधा कनेक्शन माता लक्ष्मी से है, मैं आपको सिद्ध करके दूंगा। शाम को गोधूली बेला कही गई है। गोधूली बेला निश्चित रूप से हर मांगलिक कार्य या हर उस कार्य को हजार गुना कर देती है। जो मांगलिक कार्य होते हैं, जो पूजा पाठ यज्ञ यजन से संबंधित कार्य होते हैं, उसको गोधूली बेला में करने से हजार गुना फल प्राप्त होता है। अब आप सोचोगे गोधूली बेला क्या है? तो सूर्य अस्त से लगभग मान के चलो कि एक घंटे बाद से लेकर के आधे घंटे तक, मतलब कि गोधूल बेला आप ऐसे भी लगा सकते हैं जब व्यक्ति का मुख बहुत गौर से देखने पे समझ में आए कि कौन है, तो गोधूली बेला है। बिल्कुल रात्रि दिन को अपने आगोश में लेने के लिए बिल्कुल जब सक्रिय हो जाता है तो उसे गोधूली बेला कहते हैं। संध्या काल निश्चित रूप से माता लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है, और ऐसी मान्यता गांव में है कि शाम के समय देहरी पे दीपक जलाना। जो लोग गांव से अपना जुड़ाव रखते हैं, आज भी शाम के समय देहरी पे दीपक रखा जाता है। वह दीपक क्यों रखा जाता है, आज एस्ट्रो तक के माध्यम से मैं आपके सामने खुलासा करता हूँ। वह दीपक माता लक्ष्मी के लिए रखा जाता है, घर में नकारात्मकता का प्रवेश ना हो इसलिए रखा जाता है। क्योंकि जब रात्रि मतलब अज्ञानता और प्रकाश को अगोश में लेता है, प्रकाश का मतलब ज्ञान, जब ज्ञान को रात्रि अपने अगोश में लेने के लिए दौड़ता है ना, तो उस समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए एक दीपक उस अंधकार को दूर कर देता है। मतलब कि माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता अंबिका, माता दुर्गा का प्रतीक यह त्यौहार हर प्रकार से, माता दुर्गा का प्रतीक यह दीपक अगर आप अपने देहरी पे जलाएंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में माता लक्ष्मी की हर प्रकार से प्राप्ति होगी। अब दीपक जलाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। जला के देखिएगा, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, मतलब वह अंधकार जो आगोश में लेना चाहता है प्रकाश को, उसका नकारात्मक प्रभाव आपके घर में नहीं होगा। नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है तो घर में हर प्रकार से खुशियाँ आती हैं। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में भी है, कि शाम के समय माता लक्ष्मी भ्रमण पे निकलती है। जिसके घर में प्रकाश दिखाई देता है उसके घर में प्रवेश कर देती हैं, इसलिए भी दीपक रखने की आवश्यकता है। हो सके तो दीपक के साथ एक सुंदर सी धूप जला करके भी रखें तो इससे और अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब दीपक को कैसे जलाना है, किस रूप में जलाना है, इस विषय की बात कर लेते हैं।
एक मिट्टी का दीपक लीजिएगा, जहाँ तक हो सके घी अगर आपके घर में है तो उसमें घी डाल दें। एक बत्ती होनी चाहिए, चाहे फूल बत्ती चाहे लंबी वाली बत्ती। फूल बत्ती है तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो कलावा की बत्ती बना करके लगा दें। नीचे गेहूं या चावल रख करके दीपक को आप स्थापित कर दें। जब आप दीपक को स्थापित कर देंगे और उसे आप माचिस से लेकर के जला दें, और जलाते समय ध्यान रहे ओम महालक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः, ओ या ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। इस मंत्रों का 7 बार, 11 बार, 21 बार पाठ करके दीपक ज्योति को प्रणाम कर लें। इसके बाद आपको क्या कार्य करना है, दीपक जला करके फिर अपने देवों का पूजन करना है, अपने मंदिर में भी दीपक जलाना है, धूप जलाना है। यह प्रक्रिया शाम के समय अपना लें तो घर का जो तमाम दुर्भाग्यता है वो दूर हो जाए। जो आपके घर में तमाम प्रकार से परेशानियां चल रही हैं, क्योंकि सोच ही व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। वह प्रकाश रूपी जो आपने ज्योत अभी स्थापित किया है अपने आप जो डेहरी पे अपने मंदिर में, वह प्रकाश आपके मन के जो तमाम प्रकार के दोष हैं उसे दूर कर सकता है और हर प्रकार से आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि, यश, कीर्ति, आयु, आरोग्यता तथा मनोकामना की पूर्ति कराने में यही एक शाम का दीपक निश्चित रूप से आपकी मनोकामना को पूर्ण कराने में सक्षम है। तो मित्रों, यह कार्यक्रम कैसे लगा? क्योंकि यह भारतीय वैदिक परंपरा या हमारी भारतीय सनातन की रीति है, इसी रीति को आपके साथ शेयर किया है और कुछ नहीं। आप देखिएगा, अच्छा लगे तो अपनाइए, अपनाएंगे तो लाभ पाएंगे, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आप जबरदस्ती करें। जो व्यक्ति करेगा वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पाएगा, क्योंकि दीपक ज्योतिर नमोस्तुते, दीपक ज्योति आपका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।